गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, 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 आगे जाओ ना, मोदी तेरा बोलो ना, अक्षय मला मला मोठा आश्चर्य वाटते आपल्याला आपल्याला धारावी मध्ये जसा मला सुद्धा त्या बाबतीमध्ये माझा भावनिक विषय आहे कारण धारावीचं नेतृत्व काँग्रेस पक्षाचे आमचे नेते एकनाथराव असतील किंवा आमची वर्षाताई असेल आमच्या सगळ्या लोकांनी धारावीचं नेतृत्व केलेलं आहे इतकी वर्ष आणि धारावीमध्ये सगळ्यात गरीब राहणारा माणूस त्याचा प्रोजेक्ट आदानीला दिलाय आणि तुम्ही त्याचंच का म्हणता अहो तुम्ही रेल्वेने जाता ती रेल्वे सुद्धा अदानीलाच दिले ना तुम्ही एअरपोर्टला जाता ते एअरपोर्ट सुद्धा अदानीला दिलंय ना मला भीती अशी आहे की आपले रेशन दुकानं सुद्धा कधी अदानीला देतील याचा भरोसा नाही आणि म्हणून या चोराला ह्या लुटेऱ्याला देशाच्या कायद्याच्या अंतर्गत त्याला अरेस्ट करून त्याला गिरफ्तार करून त्याला बंदिस्त करून त्याच्यावर जी हर्षद मेहतावर कारवाई झाली होती जी चेतन पारेखवर कारवाई झाली होती तशी कारवाई करून त्याला जेलमध्ये टाका आणि आमच्या देशाची ईडी आणि सीबीआय ते याच्या लग्नामध्ये लग्नामध्ये याचं काम करणारे फुलाचं काम करणाऱ्यांच्या घरी जातात तर ह्या एवढ्या मोठ्या लुटेऱ्याच्या घरी जा जरा हिंमत दाखवा हायकमांडला दिलेलं आहे बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोलेंच्या विरोधात संपूर्ण विधान परिषदेच्या निवडणुकीत कुठेतरी राजकारण झालेलं त्यांचा हा हातचा विषय नाही आणि तुमचा एजेंडा तुम्ही चालवा पण तो तिकडे नाना पटोले जाऊन चालवा मला माहित नाही मी मुंबईचा अध्यक्ष आहे धारावी प्रोजेक्ट के बारे में जो बातें हो रही है मुझे ताज्जुब इस बात का है आपको पता होगा पिछले 15 सालों से धारावी के विकास को लेके सारे जो है ये सेंटिमेंटल है बिल्कुल संवेदनशील वो मामला है हमारी हमारे स्वर्गीय एकनाथ राव गायकवाड़ ने धारावी का ये किया पूरी तरह नेतृत्व किया आज वर्षाताई हमारी नेतृत्व कर रही उन्होंने वो मंत्री रही है और जब चर्चा चल रही थी कि उसका डेवलपमेंट जो है सरकार करे या सक्षम कोई पार्टी करे अदानी को कैसे दिया तो धारावी तो अदानी को दिया आपसे मेरी विनती है आप जिस रेलवे स्टेशन से उतरते हैं जरा वो भी देखिए वो भी तो उसको दिया है या अभी ऊपर से जो मोनो जा रही है चल नहीं रही है पर वो भी जाएगी उसके पास और एयरपोर्ट पे जब आप जाते हो दिल्ली में ऑफिस में तो एयरपोर्ट भी तो गए हैं सारे और दुर्भाग्य ये है इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है गरीब के पैसे कम हो गए आपके सारे विकास काम जो है उसके पैसे कम हो गए लेकिन मनरेगा के पैसे कम कर दिए हमारे आरोग्य के ऊपर के पैसे कम कर दिए हमारी शिक्षा के ऊपर के पैसे कम कर दिए और 50 एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसे दे दिए अदानी को पूरा बना के इस लूटेरे के हाथ में देने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी पूरी वो फाइनेंस मिनिस्टर जो मैंने होर्डिंग्स देखे क्या कह रहे हैं कि क्या है व्हाट इज इट कि स्टील ये लेडी ये स्टील है उनके हस्बैंड को पूछिए उनको इसके बारे में ये देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में क्या क्या पता है उनके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ मैं मेरी नहीं बात कर रहा हूँ जो प्याज के बारे में जो हमारे यहाँ प्याज मिलता है गरीब को उसके बारे में जो उन्होंने टीका टिप्पणी की थी तो ये वो सरकार है नरेंद्र मोदी की जो ऐसे लुटेरे को पनाह दे रही है उनको सपोर्ट करे उसके खिलाफ ये लड़ाई है एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट